दोस्तों अजीब गरीब लोगों की बात करें तो हम बात करेंगे इन वाली दीदी की। आप देख सकते हैं दीदी ने अपने पूरी बॉडी में टैटूइंग करवा रखी है, सर्जरी से अपनी ईयर को चेंज करवा दिया है, नोज को चेंज करवा दिया है, अपनी टंग को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके आई बॉल्स आपको ब्लैक ब्लैक दिख रही होगी, काली दिख रही होगी, इसलिए क्योंकि उन्होंने आईज में भी आई टैटूइंग करवाई हुई है, जो बहुत ही डेंजरस है। दोस्तों आप घर में से बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, कहीं आपको लगे कि हम भी अपनी आईज से ब्लैक ब्लैक रहेंगे तो आप अंधे हो जाएंगे इस चक्कर में, बिकॉज इट्स टू रिस्की, ये बहुत रिस्की है, इससे आपकी आईज की जो भी पावर है देखने की वो खत्म हो जाएगी, आप अंधे हो जाएंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। टैटू भी थोड़ा बॉडी में अच्छा लगता है, बट इतना क्रेज होना इट्स नॉट गुड, सर्जरी का इतना क्रेज होना इट्स नॉट गुड दोस्तों, तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। नंबर टू पर हम बात करेंगे इन वाली दीदी की। दोस्तों आप देख सकते हैं आजकल ना बहुत क्रेज चला हुआ है, वीडियोस में आपने कई जगह देखा होगा लड़के ने ऐसे फुलर लिप्स कर दिए होते हैं सर्जरी से, इन दीदी ने भी वही किया है, इन्होंने भी अपने लिप को ऐसे फुलर लिप बना दिया एंड अपनी चीक बोन्स को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया है, जिससे इनकी आंखें भी ऐसी दिख रही है। तो आप कमेंट में बताइएगा आपको दीदी का ये लुक सच में अच्छा लगा या फिर दीदी को ही अच्छा लग रहा है अपनी फुलर लिप। दोस्तों नंबर थ्री पर हम बात करने जा रहे हैं इन दो दोस्तों की, जो बहुत ही अच्छा रोबोटिक डांस करते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी का तो क्या ही कहना है। आप देख सकते हैं ये जो गर्ल है ऐसा लग रहा है जैसे इसकी टांगी नहीं है, बट ये इतनी फ्लेक्सिबल है, इसने अपनी बॉडी को इस तरह से मूव करके रखा हुआ है कि अपने पाँव पकड़े हुए हैं, बिल्कुल बैंड करके इस तरह से बैंडिंग की हुई है कि लग ही नहीं रहा है कि यू नो ये लड़की ने अपने पाँव पकड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है पाँव ही नहीं है। सो अमेजिंग, ये दोनों बहुत ही अच्छा रोबोटिक डांस करते हैं, बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, वेरी नाइस। दोस्तों चौथे नंबर पे आती है ये वाली दीदी, ये इंस्पिरेशन है एवरी गर्ल के लिए जो अपने आप को लेके बहुत अनकंफर्टेबल होती है, जो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में नहीं होती है अपने आप को लेके। ये दीदी हमें सिखाती है कि खुद से हमें हमेशा प्यार करना चाहिए, कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए खुद को लेके, तो लोग भी आपसे उतना ही दिल से प्यार करेंगे। इसलिए सेल्फ पावर जो होती है ना, लोग भी आपसे प्यार करेंगे उस सेल्फ पावर को देख के, सेल्फ कॉन्फिडेंस को देख के, सेल्फ लव को देख के। दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये भैया भी कुछ कम नहीं है। आप देख सकते हैं ये बहुत 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 तरह से बैंडिंग करते हैं अपने शरीर को, इतना बैंड करते हैं ना अपना शरीर को कि देखने वाला अचरज में पड़ जाता है कि ऐसे भी हम अपनी बॉडी को बैंड कर सकते हैं। वाओ भैया वाओ, अमेजिंग। दोस्तों अजीब गरीब लोगों की लिस्ट में ये वाली जो दीदी है ये मेरे हिसाब से नंबर वन पे होनी चाहिए, बिकॉज ये डेली इतना पैसा खर्च करते हैं, बिकॉज इन्हें ना डक वाले हेयर स्टाइल पसंद है, डक वाले हेयर स्टाइल के लिए डेली ब्यूटी पार्लर जाते हैं, डेली ब्यूटी पार्लर जाकर अपना हेयर स्टाइल करवाते हैं डकिश वाला, एंड इन्हें इतना क्रेज है, इतना अच्छा लगता है डकिश हेयर स्टाइल में ना, जब लोग इनकी तरफ देखते हैं बहुत अच्छा लगता है कि वाओ मुझे अमेजिंग लग रही है इस डक वाले हेयर स्टाइल से, इसके लिए चाहे ये पैसे खर्चने के लिए भी तैयार है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बाय दोस्तों।